यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से अधिक मार्क्स है और आपने बीईडी या एमईडी किए हुए हैं तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है टीचर बनने के लिए। साथियों, टीचर का पद ऐसा पद है जो प्रधानमंत्री से लेकर रिक्शा चलाने वाले को भी नतमस्तक कराता है। इस दुनिया का सबसे ओहदे और सम्मानित पद टीचर का होता है। यदि आप इस सम्मानित पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, पीएचडी नेट वाले भी इस पद पर अप्लाई करें, क्योंकि रिसर्च मेथोलॉजी से आप अपने स्टूडेंट्स को महान इंसान बना सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और भविष्य में एकेडमिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों को। आपका लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी। ये जनरल रिक्रूटमेंट है और आपको इस वेबसाइट में आपको जाना है। मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। इसी वेबलाइट यदि गूगल में आप सर्च करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसके लिए जो सबमिशन आप ऑनलाइन है, एप्लीकेशन है, वो 9 जुलाई से स्टार्ट हो गई है, जिसकी अंतिम तिथि है 28/8/2018। साथ ही साथ ये बोर्ड के वेबसाइट में भी ये एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है डिस्प्ले किया जाएगा। हॉल टिकट भी, मतलब प्रवेश पत्र जो है 7 दिन पहले, जब एग्ज़ाम होगा उसके 7 दिन पहले वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ऑल द क्वेश्चन पेपर, पेपर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये एक्सेप्ट लैंग्वेज विल बी सप्लाइड इन इंग्लिश वर्सन ओनली, ये इंग्लिश में होगा। पेपर फर्स्ट इज कॉमन फॉर द ऑल सब्जेक्ट, एक तो इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर होगा, साथ ही साथ जो पेपर फर्स्ट है वो सब के लिए कॉमन होगा, और जो सेकेंड और थर्ड है उनके सब्जेक्ट से संबंधित है। जिस तरह से पहले नेट का एग्जाम हुआ करता था उसी प्रकार से ये भी एग्जाम होगा। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। द बोर्ड रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इज ऑफलाइन ओएमआर मोड, उनको ये अधिकार है कि ऑफलाइन ओएमआर मोड के माध्यम से भी वो करा सकते हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन भी करा सकता है। इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट नोट है, आधार नंबर चाहिए आपको जो है। इसके अलावा SSC, इंटरमीडिएट 12th, 10th, 12th, आपका ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इसके अलावा उसका रोल नंबर, पासिंग ईयर की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर यदि कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसके लिए जो है वो अपना जानकारी देगा। यहाँ पर हम देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो टोटल सीट है वो 1972 है, ये सन नहीं है, 1972 पोस्ट जारी हुआ है। इसके लिए अलग अलग प्रकार के टीचर हैं, जिसमें से जो है आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए निकला हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा कि इंग्लिश टीचर, उर्दू टीचर के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है इन उर्दू, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन मैथमेटिक्स, और यहाँ पर जो है फिजिकल साइंस, जिसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब आता है, अप्लाइड केमिस्ट्री ये सब आएगा फिजिकल साइंस में। ये बायोलॉजिकल साइंस में भी जो है आपके लिए वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, और इसके अलावा पोस्ट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन सोशल स्टडीज़ में जो इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी ये सभी विषय के लिए, साथ ही साथ BCom ग्रेजुएट लेवल टीचर, कॉमर्स का, अकाउंटेंसी, कास्ट अकाउंटिंग, ये रूरल डेवलपमेंट, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इन सब के लिए जो है ये पोस्ट जारी किया गया है। इसका जो एज है, एज भी देख लीजिए, 18 ईयर से लेकर 44 ईयर्स तक। साथ ही साथ जो वहाँ के तेलंगाना राज्य के
कैंडिडेट होंगे उनके लिए SC/ST कैंडिडेट है तो उनके लिए जो है एज में छूट दे रखा है। साथ ही साथ इसकी जो फीस है वो चाहे वो आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हो या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो उसके लिए फीस जो है 1200 रुपया रखा गया है, 1200 रुपीज़। और तेलंगाना राज्य के जो SC/ST बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है 50% छूट है, अर्थात 600 रुपीज़ उसके लिए फीस रखा गया है और इनको जो है ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो सेंटर फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन वो केवल हैदराबाद में किया गया है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस वेबसाइट के माध्यम से जा सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आप जो है स्टेप 1 और स्टेप 2 दिया हुआ है, इस प्रोसेस को पूरा समझें, पढ़ लें कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है क्या, फिर उसके बाद में यहाँ पर कोर्स भी दिया हुआ है जनरल प्रोविजंस, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है जनरल प्रोविजंस में क्या क्या चीज़ें लगेगा, और इस वेबसाइट में आपका सिलेबस भी दिया हुआ है, इस सिलेबस को भी पूरा पढ़ लें, कौन कौन से पेपर कैसे क्या आएगा, क्या सिलेबस होगा, ये सारा जानकारी जो है इस वेबसाइट के माध्यम से दिया हुआ है। यदि हम TGT के बारे में देखें, TGT के बारे में देखते हैं तो हमको ज्ञात होता है कि इसके लिए जो वैकेंसी निकला हुआ है सेम टू सेम वैकेंसी है, इसमें कोई फर्क नहीं है, वही आपका लास्ट डेट है। यहाँ पर वैकेंसी देख लें, इसके लिए 960 पोस्ट जारी हुआ है। यहाँ पर जो है TGT के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिनके पास में ग्रेजुएट की डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है और BED या MED किया हुआ है तो वो व्यक्ति भी जो है इसमें अप्लाई कर सकता है। ये बहुत बढ़िया अवसर है। यहाँ पर BA, BSc, BCom 50% मार्क्स चाहिए, साथ ही साथ जो है BED का होना बहुत ज़रूरी है। BA BED, BSc BED, BCom BED इस तरह का उसमें भी चाहिए। और इसके लिए भी सेम टू सेम पोस्ट निकला हुआ है जिसमें संस्कृत में TGT टीचर बन सकते हैं, इंग्लिश में बन सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए निकला हुआ है, साथ ही साथ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फिजिकल साइंस में, इसके अलावा आपका जो है बायोलॉजिकल साइंस में बायोलॉजी ग्रुप के समूह को, टीचर साइंस ग्रुप में, आप सोशल स्टडीज़ के अंतर्गत लगभग सभी पोस्ट हैं जिसमें से आपका इकोनॉमिक है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, पब्लिक एड है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, पॉलिटिक्स है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चरल एंड एक्रोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशल वर्क है, फिलोसॉफी सब्जेक्ट है, ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। तो ये सारे पोस्ट के लिए जो है ये वैकेंसी जारी किया गया है। इसके लिए भी एज सेम टू सेम है, 18 years to 44 years। साथ ही साथ इसके लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वही 1200 रुपया है, आप 1200 रुपया पे कर सकते हैं। और इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो भी हैदराबाद में ही होगा, सेम टू सेम है। और जो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा ये तय करेगी बोर्ड जो है। और मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि आप एक टीचर बनिए, हमारे विंग में आइए और समाज को एक नया सीख दीजिए, स्टूडेंट को मार्गदर्शन दीजिए, उन्हें महान बनाइए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं सही बल्कि साइंटिस्ट बनाइए, वो विश्व विजेता बने। वो तभी संभव है जब तक आप उस पर जो है उनको सही मार्गदर्शन नहीं देंगे। अच्छे टीचर एक अच्छे बाग फुलवारी की तरह बच्चों को जो है संवारता है, उन्हें एक नई मंजिल देता है। तो इसलिए मेरी शुभकामना है कि आप इस वैकेंसी को अप्लाई करें और एक अच्छे टीचर बने। धन्यवाद।